इधर है शिवलिंग, और शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे 24 घंटे पानी चलता है। आज हम आ चुके हैं बैद्यनाथ मंदिर के अंदर, ये ले लिया हमने प्रसादी और अब चलते हैं मंदिर के बाहर, क्योंकि आपको पता अभी सावन है, तो सावन के अंदर वहाँ पे चलते हैं झरने एंड वहाँ की लोकेशन भी पहाड़ों की है, तो देखते हैं आज किस प्रकार होने वाला वहाँ का नज़ारा। तो हाँ, तो वैसे ये देख सकते हो इधर है शिवलिंग, और शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे 24 घंटे पानी चलता है, तो काफ़ी मतलब ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है, लेकिन बोलते 24 घंटे चलता है। बाकी अभी तो बारिश का मौसम सावन है, इसलिए शिवलिंग में पानी चल रहा है। ये गाइस यहाँ पे भोलेनाथ जी का बहुत ही शानदार मंदिर है, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना। देख सकते हो इतने ज़ोरदार जंगल के बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर है। आ चुकी है बारिश और देख सकते हो बकरियाँ और सभी जा रहे हैं नीचे, क्योंकि बारिश आ चुकी है, तो बारिश के कारण सभी डिसमिस हो रहे हैं, मतलब इधर से उधर चल रहे हैं, क्योंकि अपन भीग न जाए बारिश के पानी से, तो इसलिए देख सकते हो चलते देख सकते चलते आगे चल रहे आगे। इधर से बारिश आ चुकी है गाइस, और इधर देखो ये भाई लोग नहा रहे हैं बारिश के अंदर भी, ये देख सकते हो बारिश में कितना जोरदार नहा रहे हैं यार, गिर मजा ये लग जाएगी। इसको देखना गाइस, ये गया, और उसको देखना वो ऊपर है, ऊपर से देखना वो तेरी, देख नीचे कितने छलांग मार रहे हैं ऊपर से, ये देखो इसको भी देखो वो तेरी, बारिश के अंदर देख सकते हो भाई कितना अमेजिंग नज़ारा हो रखा है, और बारिश में इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं लोग, और इधर देख सकते हो पब्लिक देख रही है, बारिश भी आ रही है मंदिर के अंदर, और बाकी यहाँ से देख सकते हो एक नंबर जोरदार नज़ारा हो रखा है, इधर देख सकते हो बारिश आ रही, गाड़ियाँ आड़ियाँ सब अंदर है, और इधर देख सकते हो जो बारिश के अंदर दोनों तीनों नहा रहे, तीनों जलवे दिखा रहे हैं अपने बारिश की वजह। हाँ ये देखो ये उल्टा भी तैर रहा है गाइस, अरे ओए गिर जाओ लो महीने। मंदिर के अंदर चल के आ चुके हैं, और बाहर का नज़ारा देख सकते हो कितनी ज़्यादा पब्लिक हुई है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है देख सकते हो बाहर से, तो उन पंडित जी ने तिलक निकाला, कुछ वाइट वाइट ही कर दिया ऐसे, और बारिश की वजह से मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि क्या बताऊँ आपको, बारिश की वजह से पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, और सभी बारिश के अंदर बिक चुके हैं, इधर देख सकते हो सभी अंदर है इसके अंदर, और इधर औरतें भी जा रही हैं इसके अंदर बारिश के अंदर, तो देख सकते हो इतना ज़ोरदार नज़ारा है गाइस, क्या बताऊँ आपको, बारिश की वजह से बहुत खतरनाक माहौल हो चुका है, तो मैं इधर से चलता हूँ वापस चलते, और ये भाई लोग देख सकते हो बारिश के अंदर भीगे हुए हैं, तो बारिश आ रही है उसकी वजह से अंदर है इसके अंदर भाई, के अब भीगने जाए, देख सकते हो कितना ज़ोरदार नज़ारा, और इधर ये देखिए बारिश आ चुकी है, ये बारिश आ चुकी है, और ये इधर हो रहा है, बारिश आ चुकी है गाइस।